नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने बेबी स्वेटर के दो पार्ट बना लिए हैं, दो पल्ले बना लिए हैं। ये बैक पल्ला है और ये फ्रंट का लेफ्ट। अब हमें दाहिने साइड के पल्ले को बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने 36 डिज़ाइनर फंदे डाल लिए हैं। 10 नंबर की सिलाई है और 36 डिज़ाइनर फंदे हैं। तो हमने लेफ्ट पार्ट में देखिए इस साइड में बटन पट्टी डाली है। तो अब हमें ये हमारा राइट साइड है, तो अब हमें आगे की तरफ बटन पट्टी डालनी होगी। तो हम पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज और दूसरे फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। धागे को आगे लाएंगे, फिर 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल फंदे हो गए 7। दो फंदों को हमने स्लिप किया, 5 फंदा उल्टा बुना। अब उन दूसरी ओर करेंगे और ये हमारा 8वां फंदा है, इसे हम पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे और शेष सभी फंदे, 28 फंदे हैं, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने शेष 28 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा 5वां लाइन है और सामने से। तो पहले फंदे को नीट वाइज स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा। अब उन घुमा के वापस अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा। अब देखिए हमने यहाँ 2 का एक किया और यहाँ जाली डाला, यानी कि जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए और यहाँ पे हमने बटन होल बना लिया। अब उन दूसरी ओर करेंगे, इस फंदे को हमें स्लिप करना है तो इसे स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए हमारा बटन होल बन के तैयार है। ये हमारा 7वां लाइन है और हम इसी तरह 9 लाइन तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 9 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 9 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। 5 उल्टे फंदों की धारियाँ सामने से है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 4 पीछे से, 1, 2, 3, 4। और अब ये 10वां लाइन है। पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे को सीधा बुनेंगे। 2 फंदे को सीधा बुना, उन अपनी ओर किया, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। 10वें लाइन में हम डिजाइन का बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें धुराना है, उनको दूसरी ओर करना है। तो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा। 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद लास्ट में 2 फंदा सीधा। और ये हमारे बटन पट्टी के 8 फंदे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो 10वें लाइन में हमारे डिज़ाइन का बेस तैयार हो गया। अब ये 11वां लाइन है। तो पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे 5 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए इस फंदे को हम स्लिप करते आए हैं तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। ये 3 फंदे सीधे हैं, तो पहले हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को छोड़कर पहले हम तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। तो तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, अब दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो अब उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। अब 3 सीधे फंदे हैं, तो पहले हम पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे,
फिर दूसरे फंदे को हम छोड़ देंगे, पहले हम तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो इन्हीं पांच फंदों को हमें दोहराना है। ये आठ फंदे बॉर्डर के हो गए, उसके बाद ये पांच फंदे हैं, तो इन्हीं पांच फंदों को हमें दोहराना है। और लास्ट में देखिए तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर अब तीन फंदे डिजाइन के हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर हम तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, लेकिन सामने की तरफ से ना बुन के बैक साइड से, पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे। देखिए पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर दूसरे फंदे को उल्टा। ये हमारा डिजाइन बन गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, पहले पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को छोड़कर तीसरे फंदे को हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर। देखिए तीन फंदे का डिजाइन है, तो पहले पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को छोड़ देंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को हमें बुनना है। दो एक बुनने के बाद फिर तीन, तब दो बुनना है, लेकिन सिलाई पीछे से ऐसे डालेंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर दूसरे फंदे को उल्टा, फिर उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, और लास्ट में ये आठ फंदे का बटन पट्टी है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन एक बार फिर से देख लीजिए। बटन पट्टी के आठ फंदों को बुनने के बाद देखिए उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, और देखिए तीन फंदे सीधे हैं, तो पहले पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को अभी हम छोड़ देंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को सीधा, फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा है, तो पहले पहले वाले फंदे को सीधा, फिर तीसरे फंदे को सीधा, फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो इन्हीं पांच फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर अब तीन उल्टे फंदे हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को छोड़ के तीसरे फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे और तब दूसरे वाले फंदे को उल्टा। तो इन्हीं पांच फंदों को, पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच फंदों का और दो लाइन का हमारा ये डिजाइन है, और दोनों लाइनों को दोहराते हुए हम 6 इंच बुन लेंगे। और हाँ, बीच बीच में हमें बटन होल बनाना होगा, तो इस समय 1 2 3 4 लाइन बटन होल के बाद से देखिए 4 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं, और जब 12 धारी कंप्लीट हो जाएगी तो 24 लाइन के बाद हम बटन होल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 इंच कंप्लीट कर लिया है, हमारा 6 इंच कंप्लीट हो गया है। और अगर लाइन में देखें तो हमने 54th रो कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा 55th रो है, यानी 55वां लाइन। तो हम जो 6 इंच के बाद जो 6 लाइन बना रहे हैं, अब हम वो बनाएंगे। तो इसके लिए सभी हमको जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाना है, बस लास्ट के तीन फंदों पर ध्यान देना है। और यहाँ देखिए, ये हमारा देखिए बटन होल के बाद से 2 4 6 8 10 और ये 11 लाइन हो चुका है, यानी 12वें लाइन के बाद। इस लाइन के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगले सीधी लाइन में हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो देखिएगा, पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, पांच फंदों को सीधा बुन लिया, ये हमारा 12वां लाइन कंप्लीट होता है। अब हम वापस आएंगे और 13वें लाइन में हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे,
और हम पूरे डिज़ाइन को अपने पूरे फंदों को बुन लेंगे। लास्ट के 3 फंदों को हमें ध्यान देना है, तो मैं पूरा बुन लेती हूँ। लास्ट के 3 फंदों को मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी, अब लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। तो ये लास्ट का 3रा फंदा, इसे हम ऐसे सीधा करेंगे और स्लिप कर लेंगे, और अंतिम 2 फंदों को हम ऊन अपनी ओर करेंगे, उल्टा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हम इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, लास्ट के 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, बाकी फंदों को अपने डिज़ाइन के मुताबिक बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, और ये हमारा देखिए बटन होल के बाद से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लाइन कंप्लीट हो गया है, यानी अब इस लाइन में हम बटन होल बनाएंगे। तो पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, अब ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा, और अब स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बाकी फंदों को हम अपने डिज़ाइन के मुताबिक बुनेंगे, बस हमें लास्ट के 3 फंदों पर ध्यान देना है। तो बाकी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सभी फंदों को बुन लिया, अब लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो 3रे स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड से शुरू के 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, और बाकी फंदों को अपने पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 इंच के बाद से ये हमारा 4th लाइन है, और 2 लाइन हम इसी तरह बनाएंगे। छः इंच के बाद से ये हमारा 5वां लाइन है, और लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो हम 3रे फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। अब रॉन्ग साइड से इन 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, और शेष फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 6 इंच के बाद से हमने 6 लाइन कंप्लीट कर ली, और अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों हमारे फ्रंट पार्ट हो गए, ये बैक पार्ट हो गया, और अब दोनों आस्तीन यहाँ पे लगा देंगे, और तब एक साथ लेके हम ये सबकी रेगुलर कटिंग करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि हमारा थ्रेड हमेशा ऐसे सामने की तरफ से होना चाहिए, यानी जब हम बुनाई करें तो वो सामने की तरफ से आए। तो हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब जब हम आस्तीन बना लेंगे, तब 5 पल्लों को एक साथ लेके चलेंगे और रेगुलर कटिंग करेंगे। शेष नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।